हेलो जी, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह पाक के पाक नाम से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे वाइट लोबिया और साथ में आलू। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फटाफट बन जाती है। आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। प्याज वगैरह 2 अदद प्याज लेंगे हम, तो 1 अदद अगर लहसुन की गट्ठी है, अदरक है, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें और लहसुन है। तो अभी शुरू करते हैं प्याज को काटना। बहुत मज़े का बनता है व्यूअर्स, आप भी अपने घर में ट्राई करें। वैसे तो ज़्यादा वो जो है वो रेड लोबिया है वो खाया जाता है, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बनता है। हमने काफ़ी दफ़ा बनाया है अपने घर में भी, वैसे भी ऑफिस में भी बनता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छी तरह भून के इसको अच्छी तरह मसाले वगैरह जो है अपने जो हम देसी ही डालेंगे, काली मिर्च में बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। आज भी आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी ये कोशिश है कि अगर आप हम मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पास हों, उनको भी थोड़ा बहुत हम टेस्ट करवाएँ कि कैसा हमारा टेस्ट है, कैसा जो हम बनाते हैं देसी, जो हम सारा डाल के अपने जो होते हैं घर के मसाले, जिसमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। आपको पता ही है पिछली वीडियोस में भी हम ज़्यादातर ये जो है लहसुन प्याज अदरक और टमाटर वगैरह ही डालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हम। चले भाई इसको धो के ना अच्छी तरह भिगो दो, तो ज़्यादा हम मसाले वगैरह नहीं डालते इसमें, वही लहसुन प्याज अदरक जो देसी तरीके से बनाया जाता है उसी में पकाते हैं, तो मज़े का भी बनता है। ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, खाया भी जाता है, बहुत लाइट सा होता है। हमारी मिर्च भी जो है ज़्यादा तेज़ नहीं होती, काली मिर्च ब्लैक पेपर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो रेड पेपर जो है हमने वैसे ही कलर के लिए रखी है, जो थोड़ा कलर सालन में थोड़ा कलर आ जाए उसके लिए रखी हुई है। और शेदे भाई आज कैसे हालात थे भाई? भाई हालात बहुत ठीक थे यार। नहीं आज तो खुल गया है सारा रास्ता, तो खुल गया। हाँ आज उस रिहाई का ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने, अभी तो रास्ते सारे खुले। लिबर्टी में भी यार पुलिस तो काफ़ी खड़ी थी, पुलिस तो हाँ पता नहीं वो लड़की को DSP थी वो आई हुई थी। मॉडल टाउन से जहाँ से निकले वहाँ पे बड़ी प्लेस थी मॉडल टाउन ए ब्लॉक में, उससे कितों आ गई नवासी वाली। अच्छा वो उधर उन्होंने का घर है ना, उसको आ रही थी बंदेदा उधरों आ रही होगी सिक्योरिटी। इधर है अपना मैकडोनल्ड कॉल भी काफ़ी पुलिस लगी है, मैकडोनल्ड कॉल भी कलमा चौक भी काफ़ी सही है, उससे लिबर्टी तो इकट्ठी हुई थी ना, मीडिया भी बहुत सी। हाँ मीडिया तो आज फिर मेरे ख्याल करेंगे ना जशन, हाँ साहब रहा है ना उन्होंने जशन तो बनता है ना। क्या जी यही है व्यूअर्स, अभी हम सारा सामान तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो व्यूअर्स हमने अपना जो है वो सामान रेडी कर लिया है, आलू भी बारीक बारीक काट लिए हैं, प्याज भी, टमाटर भी, धनिया भी काट लिया और बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया है। तो अभी हम चलते हैं किचन में और अपनी रेसिपी जो है जो शुरू करते हैं बनाना। तो व्यूअर्स हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम कर लेंगे अच्छी तरह ब्राउन। तो इधर हमने जो अपने लोबिया था वो भुगो के रख दिया, ये भीग चुका है, ये देखें आपके सामने नरम हो चुका है। तो अभी इसका मसाला बना के ग्रेवी बना के इसको अच्छी तरह भूनेंगे, साथ में हम डालेंगे अपना आलू, आलू को भी अच्छी तरह भूनेंगे और इसकी अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे। तो फिर उसके बाद अगर हम अगर शोरबे वाले पसंद है तो शोरबा वाले शोरबा डाल लें, ज़्यादा पानी डाल लें। अगर वैसे आपको ग्रेवी वाले पसंद है तो पानी ना डालें, अच्छी तरह भिगो के इसको भून के अच्छी तरह, तो हल्की सी इसमें वो अगर आपके पास दही है तो दही डाल लें, अगर आपने मलाई किया तो मलाई डाल लें। आज हमने मलाई वगैरह कुछ नहीं डालनी, सिर्फ सादा सिंपल देसी तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। काली मिर्च डाल के बनाएंगे, जो हमारी जो रेड चिली है वो ज़्यादा नहीं डालेंगे,
कम ही डालेंगे। बहुत मजे की बनते हैं, पहले भी हमने ट्राई किया है ये, तो आज मैंने कहा हम अपने व्यूअर के साथ इसकी रेसिपी जो है वो इजी है, बहुत ही फटाफट तैयार होने वाली है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारा किचन अभी ऐसा ही है कि प्रॉपर नहीं है, कोई बॉक्स वगैरह नहीं है, कोई मतलब जैसा है वैसा ही है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम अपग्रेड करेंगे बहुत जल्दी, थोड़ा सा इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है जैसा है आपके सामने है, तो अभी हमारा जो है वो प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे, वो हमने बना के रख लिया हुआ है इसमें। तो बाकी जो स्पाइसेस हैं वो भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो आज कल जो हमने वीडियो डाली थी हमारे पाकिस्तान के जो हालात है, इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी, तो आज उसमें थोड़ा सा कमी आई है, थोड़ा सा कहने के उसमें कमी आई है, लोग आज ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है आज मौजूद जजों ने जो उनको रिहा कर दिया, इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया, कल है उनकी दोबारा हियरिंग है, अल्लाह करे जो है हालात वो मामूल के ऊपर आ जाएँ। लेकिन आज जो था, आज हम ऑफिस भी गए हैं तो क्योंकि ज़्यादा नहीं था, कल रात को काफ़ी कलमा चौक में काफ़ी ज़्यादा कशीदगी थी, फायरिंग वगैरह हुई है, एक दो कंटेनर खड़े थे उनको आग लगा दी गई थी, तो वो काफ़ी ब्लास्ट हुआ है। तो रात को सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी, लेकिन आज सुबह और अब तक जो है वो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल रूटीन पे आ गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब को आज रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। तो अब पीटीआई के कारकुनों को भी चाहिए, जो हमारी सियासी जमातों के कारकुन हैं उनको भी चाहिए कि मामले को थोड़ा कूल डाउन होने दें, क्योंकि हमारा मुल्क तो पहले ही आ गई जो है वो कर्जों में गिरा हुआ है, मुश्किल में है। तो सबको चाहिए, सबको सोचना चाहिए, जो जो भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई इस तरह का मामला ना हो कि जिस तरह के दो तीन दिन से सिचुएशन चल रही थी, इंटरनेट सर्विस बंद हुई है, कल परसों से मोबाइल सर्विस कई शहरों में बंद थी, तो आज जो थे वो मामूल के ऊपर आ गई है थोड़ी ज़िंदगी, अल्लाह करे अब आगे भी इंशाल्लाह यही। तो अभी हमारा प्याज जो है वो हमें ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च हमने जो इसमें ग्राइंड की है तो अभी वो हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे। साथ में हमने जो प्याज टमाटर जो टमाटर छोटे जो टमाटर हमने हाफ किए थे वो भी ऐड कर देंगे, बारीक हमने इसलिए नहीं काटे कि उसका जो छिलका है ना वो बाद में फिर मसला करता है, इसलिए मैंने जो है वो इसको इस तरह काट के और बाद में हम इसका जो छिलका है वो इसकी मदद से बाहर निकाल देंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं व्यूअर्स, आप भी अपने घर में, मेरी अपनी जो घर में हमारी माएँ बहनें हैं वो उनसे गुजारिश है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, लोग भी ज़रूर बनाएं अपने घर में। इसी दिन हम जो है वो जो रेड लोबी है वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत मज़े का बनता है, वो तो एज आ उसको सैलड भी यूज़ किया जाता है, सलाद के तौर पे भी खाया जाता है, जो हमारे भाई जैसे हम मोटापे का शिकार हैं तो वो लोग भी यूज़ करते हैं ज़्यादा, ताकि जो है वो अपनी फैट को कम कर सकें। भाई क्या इनको हम थोड़ा कम कर लेंगे,
वो किधर गया? वो क्या जी? अच्छा जिस रोटी पकाते हैं इधर ही होगा। अच्छा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है यार। हमारा लहसुन प्याज अदरक का अच्छी तरह भून चुके हैं, टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे, आधा जो चम्मच है वो धनिया पाउडर, दो चम्मच हम काली मिर्च के ब्लैक पेपर के ऐड करेंगे इसमें। आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आधा टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर, सिर्फ कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और साथ में हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं, हम एक से हाफ एंड डेढ़ चम्मच नमक ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह अपने मसाला जात को अच्छी तरह भून लेंगे। तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपनी जो है लोबिया, और जो है वो आलू हमने बारीक कटे हुए हैं वो ऐड करके अच्छी तरह भून लेंगे। फिलहाल हम इसको भी अच्छी तरह एक जान करेंगे मसाले को, ताकि जो हमारी जो काली मिर्च और जो बक्का मसाले हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। बहुत ही मज़े का बनता है व्यूअर। हमारा एक कुक था गिलगित का, शेफ था वो मेरे साथ जो है वो जॉब करता था हमारे साथ, वो कुकिंग करता था हमारे जो स्टाफ थी, तो वो आलू लोबिया इतना मज़े का बनाता था। तो ये वाली जो रेसिपी है मैंने इसी से तकरीबन ली है, लेकिन जो वो वाले मसाले ऐड करता था वो मैं नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ अपने जो घर के देसी मसाले हैं, जो देसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में आम यूज होती हैं वही डाल रहा हूँ। तो वो तो खैर इसके साथ वाइट चावल बॉयल करता था, तो बहुत ही इसके हाथ में बहुत टेस्ट था। वो आलू लोबिया बनाता था, और हमारा एक फॉरनर था एलन वाटर, वो खाली आलू कीमा उसके चम्मच के साथ खाता था और कुछ नहीं लेता, ना साथ में चपाती लेता था ना साथ में मतलब राइस लेता था, सिर्फ आलू कीमा उसको इतना पसंद था, इसका मटन का कीमा वो चम्मच के साथ खाली चम्मच के साथ जो है वो खा लेता था। और बनता भी इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोग जो है वो उसके खाने के फैन हो गए थे। गिलगित से आया था वो, गिलगित तो बहुत ही अच्छा लड़का था, खाना बहुत मज़े का बनाता था। तो तकरीबन जो ज़्यादातर रेसिपीज़ जो हैं वो केक वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने इससे सीखी। कभी हम केक भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो हम पहले इसमें ऐड करेंगे हमारे जो आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। आलू हमने डाल दिए तो इसकी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे। आलू अच्छी तरह भून लें, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो लोबिया है वो ऐड करेंगे। तो अभी बस हमने अपने जो आलू हैं अच्छी तरह भून लिए हैं, अब हम इसमें लोबिया ऐड कर देंगे जो हमने साफ करके धो के अच्छी तरह धो के रखा हुआ था, उसको ऐड कर देंगे। फिर हम इसकी इसी के साथ आलू के साथ बनाई करेंगे अच्छी तरह। लेकिन वो कितना मज़े के लग रहे हैं, मतलब इनका कलर जो है वो कितना मज़े का लग रहा है, बनते ही बहुत मज़े के हैं ये, बंदा कहता है कि चम्मच के साथ खाया जाए। तो अभी हम इनको अच्छी तरह भुनेंगे, तो उसके बाद फिर हल्का सा इसमें पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएँ। आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं, लोबिया भी गल जाए। तो वे बस देखें हमारा जो सालन है वो लोबिया का, वो आलू लोबिया का तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की जो है खुशबू आ रही है, देखें आपके सामने। तो ऑयल भी इसने ये जो है अपना छोड़ दिया है, अभी आलू भी गल चुके हैं। तो मुझे तो खुशबू जो है वो अभी तक दिल करे अभी शुरू हो जाऊँ, लेकिन अभी बाकी दोस्त आ जाएँ उनके साथ बैठ के उनसे भी पूछें कैसा बना है, तो आपको भी दिखाएंगे। तो फिर अभी वेट करते हैं दोस्तों का, लास्ट में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा
हरा धनिया, थोड़ा सा हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जो है वो जीरा, जीरा और काली मिर्च जो है हम कितनी सी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। फ्लेम को हम कर देंगे बंद, देखें व्यूअर्स बहुत मज़े का सालन बना है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो अभी मिलते हैं खाने के टेबल पे। व्यूअर हमारा सालन रेडी हो चुका है, अभी खा के बताते हैं कैसा बना है। हाँ जी मियाँ जी, मज़ेदार। अभी बहुत मज़े का बना है, आप भी सर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं।